नमस्कार साथियों, मैं राम प्रकाश और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गांव की गूंज दिल्ली तक। आज यहां हिसार के ग्राम हिसार के लघु सचिवालय के आगे जो किसानों ने घेराव किया है और यहां पर जो है सुमन दुवन भी जो है यहां पहुंची है, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले जो है मंत्री संदीप सिंह पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, और महिला खिलाड़ी है ये भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं किसानों के समर्थन में, और किसानों ने भी इनको कहीं ना कहीं जो है समर्थन दिया है। और जानते हैं इनसे क्या मामला था और क्या ये कहना चाहेंगे उस मामले को लेकर के, और आज जो है किसानों के यहाँ प्रदर्शन में पहुंची हैं, इनकी क्या राय है और ये क्या इस मामले पर कहना चाहेंगे, किस मामले को लेकर के यहाँ आई थी। हाँ जी सुमन जी नमस्कार जी, सोनिया नाम सोनिया द्वैन जी, ये जानना चाह रहे थे कि क्या मामला था जी जो आपके साथ में हुआ था, और दूसरा अभी काफी पार्टियां भी आम आदमी पार्टी भी आपके समर्थन में जो है कहीं ना कहीं प्रदर्शन धरने कर रही है, अभी करनाल में भी प्रदर्शन था उनका और अभी चंडीगढ़ में भी उन्होंने ऐलान किया है इसके इस मामले को लेकर, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी पार्टियों का जो मदद कर रही है, मुझे तो सबके साथ की जरूरत है और जितने लोग साथ आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज यहाँ पे किसानों ने जो आंदोलन किया हुआ था आप इसमें भी आए हैं, तो किसान भी कहीं ना कहीं आपको समर्थन दे रहे हैं। क्योंकि जी किसान, मैं किसान की बेटी हूँ तो मैं इनके दुख दर्द में और इनके सुख दुख में मैं ही खड़ी होंगी और कौन खड़ा होगा। तो अभी मैडम जैसे कि सरकार कह रही है कि हमने केस जो है दायर कर दिया है और SIT भी गठित कर दी है, तो उसके बावजूद आपकी क्या डिमांड रही है? महिला कोच के केस में FIR भी हो गई है और SIT USIT कुछ नहीं करती, और FIR में भी आगे कुछ हो नहीं रहा है जांच में, और मेरे केस में अभी तक कोई FIR नहीं हुई है। तो अभी एक तरफ से हम देख रहे हैं कि सभी वर्ग जो है धरने पे चल रहे हैं फिर भी सरकार तस्से मस नहीं हो रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हो जाएगी। तो जैसा कि 2024 में इलेक्शन है, तस्से मस करवाने आते हैं। जो एक खिलाड़ी थी जिनके साथ में छेड़छाड़ी का आरोप जो इन्होंने लगाया था कहीं ना कहीं, और महिला कोच के मुकदमा दर्ज कराने के बाद में जो है संदीप सिंह पर मुकदमा दर्ज भी हो गया था, और उसके बाद में जो है जगह जगह जो है धरना प्रदर्शन हुए थे, और अभी जो यहाँ लघु सचिवालय के आगे किसानों ने धरना प्रदर्शन यहाँ किया हुआ है, और ये किसानों से भी जानना चाहेंगे इन्हीं के धरने को जो है समर्थन देने और यहाँ पर बातचीत करने किसानों के बीच में संदीप यहाँ पहुंची थी सोनिया दुहन, और बाकी की बातें हम कुछ किसानों से यहाँ करना चाहेंगे कि ये क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर। राहुल जी कैसे आना हुआ आज फिर आप लोगों का यहाँ? मुआवजा बदल गया भाई। तो मुआवजा अभी तक डला नहीं आप लोगों के खाते में? तो अभी ये सोनिया दुहन भी यहाँ पहुंची थी, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो खेल मंत्री पर आरोप लगाए थे छेड़खानी के लायक करी होगी थी अगली आरोप लगा मेरा फोन लगा। आप लोग भी समर्थन कर रहे हो इनका? हो रहा है। हाँ जी, आज किस मामले को लेकर के यहाँ घेराव किया हुआ है? मुआवजे को लेकर। तो मुआवजा अभी तो सरकार ने कहा ना कि भाई ऑनलाइन आप लोग अप्लाई करो तो मुआवजा आपके खातों में डल जाएगा, फिर क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को? डाला है नहीं डाल रहे हैं? तो अभी सोनिया द्वैन भी आई हुई थी। डाला है किसी को नहीं डाल दी। अच्छा जी, अभी सोनिया द्वैन जी भी आई हुई थी, तो उनके मामले में आप कुछ कहना चाहेंगे जो खेल मंत्री ने छेड़खानी का आरोप उन्होंने लगाया था, तो आप लोग भी समर्थन दे रहे हो कहीं ना कहीं उनको? हाँ जी समर्थन है। आप चाहते हो कि मंत्री को बर्खास्त किया जाए और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? तो ये भी कुछ किसान हमने जिनसे बातें की थी सोनिया द्वैन जी के मामले में, तो लोगों में जो है आक्रोश है और ये चाहते हैं कि भी मंत्री के खिलाफ जो है कार्रवाई हो और उसकी गिरफ्तारी हो। तो इसी के साथ साथियों, जय हिंद जय भारत, आप देख रहे थे लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गांव की गूंज दिल्ली तक। इसे तरिया क्या करना पड़ेगा, आज सारे ने भगत सिंह बनना पड़ेगा, सारे ने चंद्रशेखर आजाद बनना पड़ेगा, सारे ने अशफाक उल्ला खान राम प्रसाद बिस्मिल बनना पड़ेगा। पंजे गांठ का लड़ने की जरूरत है। सरकार हर रोज नए नए फैसले तानाशाही फैसले लागू करने लग रही है। अभी किसानों ने किया घेराव लघु सचिवालय हिसार का, और यहाँ पर किसानों का कहना है कि हमारे मुआवजे जो है खातों में नहीं डाले जा रहे, और एक तरफ सरकार कहीं ना कहीं दावे कर रही है कि हमने जो किसानों की आय दुगनी करने का काम किया है, मजदूरों की आय दुगनी करने का काम किया, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। किसानों का कहना है कि किसी के खाते में डाल देती है और कुछ लोगों के खातों में जो है पैसा नहीं डाल रही है, जिसको लेकर के आज जो है DC कार्यालय हिसार का जो है पगड़ी समाज जनता किसान संघर्ष समिति की तरफ से इसका घेराव किया गया था, और यहाँ पर भारी पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, काफी संख्या में जो है किसान भी मौजूद है, और सोनिया द्वैन भी जो है यहाँ कहीं ना कहीं पहुंची थी जिनसे हमने बातचीत की।